आपका क्वेश्चन है कि 488 को 488 को 4:3:1 में बांटो, 4:3:1 में बांटो, ये आपका प्रश्न है ना। मतलब इसके तीन हिस्से करना है, 488 रुपए को तीन जनों में बांटना है, और तीन जनों में किस प्रकार से बांटना है कि पहले वाले को 4, फिर दूसरे वाले को 3 और चौथे वाले को 1 के अनुपात में हिस्सा मिले, है ना। तो अब पहले वाले को कितना हिस्सा बनेगा 488 रुपए में से, पहले वाले का, फर्स्ट वाले को कितने मिलेंगे, है ना। प्रथम का हिस्सा कितना होगा, अभी निकाल लेते हैं। प्रथम का हिस्सा कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 488 गुणित 4 और 3 7 और 1 8, 8 और ये 4 ऊपर, 4/8, तो 4 × 4 = 8 और 2 से इसको काट देंगे, 2×2 = 4, 2×4 = 8, 2×4 = 8, तो पहले वाले का हिस्सा कितना हुआ, 244 रुपए उसको मिलेंगे। अब सेकेंड वाले का हिस्सा हमें निकालना है, सेकेंड का हिस्सा कितना होगा, तो सेकेंड का हिस्सा भी निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, सेकेंड में कौन है, 3 है, तो 3/8 गुणित में 488, तो 8×48, 8×1 = 8, तो ये हो गया आपका 3×3 और 3×18 183। चलो तीसरे वाले का हिस्सा निकाल लेते हैं, तीसरे का हिस्सा कितना होगा अभी मालूम पड़ जाएगा, तीसरे का हिस्सा कितना होगा, तीसरे नंबर पे 1/8 गुणित 488, तो ये हो जाएगा आपका 8×48, 8×1 = 61। इस प्रकार से हमने तीनों में राशि 488 रुपए को बांट दिया, और पहले वाले को 244, दूसरे वाले को 183 और तीसरे वाले को 61 रुपए प्राप्त हुए। तो इस तरीके से आपका पूरा सवाल हो गया।